सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वचन। वचन क्या होते हैं? वचन को हम कह सकते हैं नंबर्स या संख्या, जैसे या कह सकते हैं आप गिनती बोल सकते हैं, वो होते हैं वचन। अब वचन को, जैसे कोई भी चीज अगर आपके पास एक है, ओनली वन, इफ यू हैव ओनली वन, अगर आपके पास कोई भी एक चीज है तो वो कहलाती है एक वचन। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक बलून है तो वो एक वचन में आएगा। ठीक, और इसी तरीके से अगर आपके पास एक से ज्यादा है, मोर देन वन, एक से ज्यादा कितने होते हैं? एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या हंड्रेड भी हो सकते हैं, सौ भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक से ज्यादा होने चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, जैसे बलून की हम बात कर रहे हैं तो आपके पास अगर दो बलून है तब भी वो बहुवचन में आएंगे, तीन बलून है तब भी बहुवचन में आएंगे, चार बलून है तब भी बहुवचन में आएंगे। ठीक है, कितने भी बलून हैं वो सब बहुवचन में आएंगे, बस कंडीशन आपके पास एक ही है कि वो एक से ज्यादा होने चाहिए। तो दो ही टाइप्स के वचन होते हैं, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने लिखा यहां पर एक वचन और इस साइड में बहुवचन। अब मैंने बलून ही लिया था तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गुब्बारा। तो अगर आपके पास एक ही है तो आप तब क्या बोलेंगे? गुब्बारा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? तब आप गुब्बारा नहीं कहेंगे ना, आप ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास दो गुब्बारा है, नहीं ना, तो हम क्या बोलते हैं? गुब्बारे, मेरे पास दो गुब्बारे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक वचन में और दो वचन में स्पेलिंग्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, एक होता है तो हम गुब्बारा बोलते हैं, दो या एक से ज्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं तो वो गुब्बारे। अब इसमें कुछ एक रूल भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा है तितली। तितली कहने से आपको समझ में आ गया कि तितली जो है एक है, एक होगी तभी तो हम उसको तितली कहेंगे, और अगर ज्यादा होगी तो हम उसको क्या कहेंगे?